गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और हमारे डेली ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हो। बज चुके शाम के 5:30। 5:30 बजे मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, तो आज फिर से मैं जा रही थी सत्संग के लिए। मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करूँ, तो वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। अभी मैं परफेक्ट टाइम पर पहुँचूँ कि 5:30 बजे मैं जा रही हूँ, तो पूरे पूरे टाइम पर मैं पहुँचने वाली हूँ। तो क्योंकि मैं जाऊँगी तब तक तो सत्संग शुरू भी हो जाएगी। मैं मुझे यहाँ से जाने में 1/2 घंटा लगेगा। तो चलो, अभी मैं निकल चुकी हूँ घर के बाहर, तो मुझे कोई ड्रॉप करने वाला है। सबसे अच्छी बात है गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाया है। सुबह से मेरा प्लानिंग नहीं बन रहा था, अचानक से मेरा प्लानिंग बन गया सत्संग में जाने का, और सडनली मैं फटाफट रेडी होकर नीचे आके ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली और दोस्तों में। मैं आ चुकी हूँ नीचे और अभी हम चल रहे हैं सत्संग के लिए। तो अभी जाएंगे तो सीधा मैं आपको लोकेशन पर मिलने वाली हूँ, क्योंकि बीच में शूट नहीं लूँगी, और वहाँ पे भी थोड़ा बहुत शूट लूँगी, ज़्यादा शूट नहीं लूँगी। और 6 बजे तक मैं कंप्लीट पहुँचने वाली हूँ, 6 बजे का सत्संग है। तो चलो अभी चलते हैं, दिखाते वीडियो में आगे, एंजॉय दिस वीडियो। यहाँ पे हम अपनी सोसाइटी में ही है, सोसाइटी के बाहर अभी चलेंगे और आज सत्संग दिखाएंगे कैसे कैसे सत्संग होने वाला है। तो गाइस, अभी मैं पहुँच चुकी हूँ सोसाइटी में और अभी दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से सोसाइटी। तो ये है सोसाइटी जहाँ पर मैं आई हूँ, पर आने में मुझे काफ़ी लेट हो चुका है। सत्संग शुरू हो चुका है क्योंकि मेरा लेट प्लानिंग हो गया, इसके लिए आज मुझे लेट हो चुका है। तो चलो अभी चलते हैं, क्योंकि मेरे घर से ना काफ़ी दूर है ये सोसाइटी। तो चलो फटाफट चलती हूँ, लेट हो चुका है मुझे काफ़ी। अब यहाँ पे होने वाली आरती, तो ये आरती की थाल रेडी है। तो चलो अभी दिखाती हूँ आरती आपको। तो यहाँ पे सारे लोग मिलके कर रहे आरती, और यहाँ पे आ जाए रघुवीर अंकल, जो आपने लास्ट टाइम में मैंने वीडियो में शेयर किए थे ओल्ड सत्संग रघुवीर अंकल के। तो आरती होती हमें मिलेगा सत्संग सुनने के लिए, उसके बाद हमें ये मिला था लंगर प्रसाद। तो लंगर प्रसाद करके हम चलेंगे अभी घर पर। अभी यहाँ पे सुनाएंगे रघुवीर अंकल सत्संग, तो ये पुराने सत्संग सुनाते हैं। मैं 15 साल गुरु जी के साथ, उन्होंने मेरे को अपने पास रखा है। 12 साल जिसमें दिन रात का समय था, इतना मैंने कल्याण होते हुए देखा है कि अगर हम गुरु जी की सिर्फ हम करते रहे कि कितना कल्याण करना हुआ, तो ये टाइम खत्म नहीं होगा। 20-30 घंटे गुरु जी दुनिया को डील करते रहे हैं, तो 24 घंटे मान लो जितने साल कल्याण करते रहे, अगर सब लोग बोलना चाहें तो उतने साल लगते हैं। लेकिन अपना अपना एक्सपीरियंस लोग बता रहे हैं, आप उन्हीं से जान सकते हैं कि कितना कल्याण किया। एक लाइन आती है, बिन बोलिया जो सब किस जानदा, तिस आगे कीजिए अरदास। ये मैंने 15 साल में और बाकी के भी आगे जो 8 साल रहे हैं आता रहा हूँ, बहुत कुछ देखा है कि बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी उस इंसान को जो पहली बार भी आता था। एक बार नहीं, हजारों लाखों बार मैंने सुना है। कहते कहते कोई नहीं, कोई नहीं, बैठ कर मेरे को पता है तू किस लिए आया। मेरे से जो पहले गुरु जी से जब मेरे दर्शन किए हैं, तो उन्होंने भी एक संकेत हमारे को दिया था कि मैं सब कुछ जानता हूँ। जिसमें जब मैं पहली बार गया किसी के घर में, तो जाते ही माथा टेका, हम बैठ गए, तो मेरी वाइफ को बोले कि 2 दिन हुए माइके से होके, तो एग्जैक्ट 2 दिन हुए। उन्होंने बोला कि 5 सूट लेके आई हैं, 3 प्लेन हैं, 2 प्रिंट हैं। उन्हें याद करके उसने बताया कि जी हाँ। फिर बोले कि अभी तो मेरे पास आई है जब,
तो बाबा से छोटा सा पर्स रख के फिर मेरे पास आई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ सर। उसने बोला कि मेरे पास क्या करना है, छोटा सा पर्स हाथ में है, इसको रख देती हूँ। मैंने कहा रख दो। वो बोले कि जाके दे देना, 382 रुपए है उसमें। बड़ी हैरानी हुई सुन के। तब मेरे को बोले तेरी आंखों को क्या हुआ? तो मैंने जो मेरे को पता था डॉक्टर बोलते थे, मैंने वो बोल दिया कि इन्फ्लेमेशन बहुत है, पिल पॉइंटेड हो चुके हैं, पढ़ते सब इंजेक्शन आंखों में लगने ज्यादा, बहुत ज्यादा लगे हैं, करीबन 11-12 साल इंजेक्शन आंखों में लगते रहे, तो पर्दे वगैरह सब खराब हो रखते हैं, अब दिखाई नहीं देता। तो फिर उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया वहीं पे, कहते कि लेट जा। तो मैं लेट गया तो उन्होंने ग्लास मंगवाया, चम्मच मंगवाया और मेरी आंखों में डालते रहे, चम्मच से आई बाल को प्रेस करते रहे। उसके बाद बोला कि माचिस लेके आओ। मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया, ये माचिस से क्या करेंगे? तो माचिस फटाफट आ गई तो जला के मेरी आंखों को हीट देने लग गए। फिर उन्होंने बोला कि सुई लेके आओ। जब सुई बोला तो मेरे मन में घबराहट आ गई कि डॉक्टर बोलते थे इंफ्लामेशन इतनी ज्यादा है आपके, अगर आंधी से कोई कचरा भी आंख में आ जाए तो मरना नहीं है, बस बन जाएगी, इसका बहुत आपने ही ध्यान रखना है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना। वो बात मेरे दिमाग में आई तो मैंने बोला सुई से छेड़छाड़ कर दी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्या प्रेशर था गुरु जी का, मेरे से उठा ही नहीं गया, इसने मैं सुई भी आ गई। उन्होंने सुई को मेरी आंख में मारना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर अपनी 10 उंगलियों में सुई मार के अपना ब्लड निकाल के आपस में मिक्स करके मेरी आंखों में डाल दिया। तो बोले जी कि तेरा कल्याण कर देता। मैं बैठ गया, मन में बड़ा पछतावा मेरे कि मैं कहां ये क्या करवा लिया है, पता नहीं। आंख मेरी ऐसे मेरे को फील होने लगी कि सूज के बहुत मोटी हो गई। लेकिन 10-15 मिनट बाद जब मेरी आंख खुली तो जितने लोग वहां ड्राइंग रूम में किसी के बैठे थे वो सारे मेरे को धुंधले धुंधले नजर आने शुरू हो गए। पहले तो मेरे को कुछ मालूम नहीं था जब मैं आया था कोई कहां बैठा, यहां तक गुरु जी के दर्शन भी नहीं हो रहे थे। तो एक रात में मेरा जो अभी विजन है वो एक रात में मेरा विजन क्लियर हो गया। ये उनकी कृपा है, ये उनका एक ट्रीटमेंट करने का एक तरीका अलग से है। तो मैंने बोला कि बिन बोले जो सब कुछ जान जाते थे आगे पीछे अरदास, ये अब हमको ये अरदास में बहुत ताकत है। जिस जिसको क्या प्रॉब्लम है ये तो चलती रहेगी जिंदगी में, क्योंकि हम जो गुरु महाराज बोलते हैं वो उससे ध्यान तो करते नहीं, अपनी चाल पे चलते रहते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो चलती रहेगी। चलो ये हमारा एक स्वभाव बन चुका है, लेकिन जिस जिसको जो भी प्रॉब्लम है तो गुरु जी के आके अरदास है तो बहुत बड़ा साधन है, जो अरदास करने से गुरु जी बहुत जल्दी सुनते हैं। फिर वही बात और आता हूँ, बिन बोलिया जो सब कुछ जानता थे आगे पीछे अरदास। एक बार मैं गुरु जी के पास जब मैं छुट्टी लेके चला गया तो उसके बाद गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट में बैठा हूँ। जब लंगर हो गया तो मेरे को गुरु जी ने बोला आज तेरा ना कल्याण कर देता। बड़े जैसे बोलते ना ठोक के बोला मेरे को ऐसे। मेरी कोई उस दिन कोई दिमाग नहीं थी, लेकिन मैंने बोला कि अच्छा कृपा गुरु जी आप तो सब जानते हो, बिना बोले ही बिना जाने हमें तो कुछ पता भी नहीं चलता कई बार आगे क्या होने वाला है, लेकिन आप सब जानते हो तो कर दिया कल्याण गुरु जी, आपकी बड़ी मेहरबानी है। तो मेरे को छुट्टी मिली तो मैं जब बाहर जूता पहन लेके लेके जा रहा हूँ तो मेरे उस जब मैं आता था तो मैं मोबाइल फोन से अपना घर को कर देता था कि मैं फ्री हो गया हूँ तो मैं कल सुबह वापस आ जाऊंगा। तो वहां खड़े होकर मैंने फोन किया कि छुट्टी मिल गई है तो मैं वापस कल आऊंगा। तो
तो उन्होंने मेरे को बताया, मेरे को बैठे को तो पता नहीं था, लेकिन बताया मेरे को बैठे को तो पता नहीं था, लेकिन घर वालों ने मेरे को बताया कि गुरु जी ने आज क्या कल्याण किया। उन्होंने बोला कि मेरी ग्रैंड डॉटर उस टाइम कोई 2.5 साल के आसपास होगी, वो झूला झूल रही है। हमारा जहाँ रेजिडेंस है उसके ऊपर हमारा एक ग्लास बहने का काम है, वो करते हैं। वहाँ ग्लास की शीटें पड़ी हुई थी काफी, 6-7 एक तरफ पड़ी गई थे। बहुत जोर से आंधी आई, इतनी जोर से आंधी आई कि वो जो जितनी ग्लास की शीटें थी वो हवा भर के उसमें तो ऊपर तो उड़ी, और जहाँ झूला झूल रही थी वो घर के सेंटर में एक खुला हुआ स्पेस है, तो जैसे उड़ी तो वैसे वहाँ जहाँ झूला चल रहा था वहाँ आके इतनी जोर से गिरी कि घर वाले सब डर गए कि ये जैसे बम फटा होता है, ये क्या हुआ। अब हमारे घर के सामने की एक लड़की, वो भी कोई 7-8 साल की होगी, वो इकट्ठे उसको झूला जला रहे हैं, चल रहे हैं। वो जैसे वो उड़ के आई तो उस लड़की ने झूले को इतनी जोर से पकड़ के एक तरफ को खींच लिया, तो वो शीशे की शीट जो थी वो सारी की सारी नीचे आकर उस जगह पे गिर गई। और तब तक पकड़े रखा जब तक घर वाले आवाज सुन के बाहर नहीं आए, तो उसको पकड़ के रखा हुआ। तो जब देखा तो रास्ते में चलना ही मुश्किल था, कांच कांच वहां बिखरा पड़ा था। लड़के मेरे मत करके उसके ऊपर से निकल के गए और जाते उसको पकड़ा और झूले से उतारा। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा उस लड़की को, जिस सामने घर की रहती थी, उससे पूछा कि तूने ये कैसे इसको खींच के पहुंचाया। कहते हैं मेरे को तो पता नहीं है, मैंने ये सब जाना। तो वहां मैं बैठा था तो गुरु जी ने बोला था मेरे को कि आज कराना कल्याण कर देता, ऐसे में बोला उन्होंने। तो मैं सुन के एकदम से बड़ा हैरान हुआ, मैं तुरंत फिर वापस आ गया। मैं क्या गुरु जी माथा टेका, मैं क्या गुरु जी आपने तो बताया नहीं, घर वालों ने मेरे को बता दिया कि क्या कल्याण किया है। कहते देखा, कहते वो लड़की के ऊपर आके गिरते शीशे तो क्या हाल होता है। ये जो कल्याण है, कल्याण तो होते हैं, लेकिन उसकी एक तरीका जो समझ में आता है, बिन बोले जो सब किसे जानता से त्यार के खींचे अरदास। कई बार पता होने के बावजूद फिर भी वो इंसान को कहते हैं कि याचक जब तक डिमांड नहीं करता है, बच्चा माँ को बोलता नहीं है तो भूख लगी है, तो वो भी कई बार डिले करती है दूध देने के। तो उन्होंने ये भी परंपरा साथ में रखी है कि बोलना भी पड़ेगा। तो अरदास एक बहुत बड़ा साधन है और ये बहुत अच्छा है, जिसको जरूरत है वो आज भी अरदास करो। हमारे बिल्कुल आसपास में ही हमेशा रहते हैं, ये याद करने से ही होता है। पिछली बार भी मैंने बोला था कि फोकस जो है वो गुरुजी होना चाहिए। जहाँ भी हम जाते हैं, चाहे इस सत्संग में आए, चाहे मंदिर में जाएं, एक फोकस जो है गुरुजी पे होना चाहिए, दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। कई बार संगत मेरे से सवाल करती रहती है, ऐसा है, जैसा है, वैसा है, तो मैं कहता हूँ कि आपको ये दाएं बाएं क्यों दिखता है, आप सीधा हमेशा गुरु जी के नजर रखो। आपको तो सिर्फ गुरु जी दिखाई देने चाहिए, हमारा रिलेशन तो गुरु जी से है, इधर उधर का तो हमारा रिलेशन नहीं है। लेकिन आप ही सब लोग जितना गुरु जी को जोड़ने का टाइम देंगे तो गुरु जी के साथ सवाल जो अपने आप चलते। बस आखिर में एक सत्संग आपको एक और सुना के, मंदिर की जब एक स्थापना चल रही थी, जब ही हमने वहाँ एक डिसाइड किया कि शिव जी की मूर्ति जो है वो बाहर एक जो स्थापना करेंगे, बाहर जो आप लोग जाते हो पत्थर की एक मूर्ति लगा हुआ है पटेस्टल के ऊपर, जो जहाँ पे फुहारे वगैरह चलते हैं, ये हमने मूर्ति जयपुर से अरेंज करके जब लाए तो गुरु जी से हुक्म किया कि ऐसा ऐसा करके मूर्ति हमने वहाँ एक लगाना है, ये पूरे मंदिर के डिजाइन में प्लान किया हुआ है। तो उन्होंने मेरे को एक दिन दे दिया और टाइम दे दिया, 12 बजे पूरे एग्जैक्ट आप वहाँ पे मूर्ति स्थापना कर दें। मूर्ति आ गई, वो क्रेन नहीं मिल रही हमारे को, ये बड़ी दिक्कत आई।
जब वो टाइम 12 बजने का जाता थी वो हमारे को क्रेन में मिला तो हम बड़े मायूस होके, तो मैं फोन करने के लिए जा रहा हूँ गुरुजी को के क्रेन ना मिलने के कारण थोड़ा सा अड़चन आ गई है, आप गुरुजी हमारे को माफ करना, अगला दिन डिसाइड करना या जो भी आप बोलेंगे। इतने में एक क्रेन अपने आप आई है तो फटाफट हमने उसको अंदर ले के आए तो मूर्ति स्थापना कर दी। जो 12 बजे का टाइम था वो उस टाइम पे हमने स्थापना कर दी। जैसे मूर्ति को वहां रखा गया तो मूर्ति का कलर एकदम से पिंक होने लग गया। कम से कम वहां 150-200 लोग थे तो वो मूर्ति का कलर पिंक होना शुरू हो गया, तो सब लोग देख के एकदम से हैरान हो रहे कि ये मूर्ति का कलर पिंक कैसे हो गया। रात को गुरु जी से फोन से मुलाकात रोज होती थी मेरी, तो मैंने जैसे ही मूर्ति का जिक्र किया तो बोला कि हाँ मैंने अपना नूर जो है वो उस मूर्ति में डाल दिया। तो वाकई नजर तो आ रहा था जो कलर चेंज हो रहा है, जो पिंक हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है इसमें, ये सब उनकी कृपा है, उनकी माया है। आप लोग जैसे भी चाहें, जैसे भी अपना अपना एक तरीका होता है गुरु जी को याद रखें, बस आपको सब कुछ मिलता जाएगा। यहाँ पे रघुवीर अंकल ने सुनाया है सत्संग और अभी इनको हम मिलके चलेंगे, तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, तो चलते हैं अभी नीचे। हम लिफ्ट के बाहर खड़े हैं तो बहुत लेट हो गया। रघुवीर अंकल के सत्संग काफ़ी अच्छे होते, लेट होता है उनके सत्संग में, लेकिन काफ़ी अच्छे सत्संग वो सुनाते, ओल्ड सत्संग सुनाते हैं जो गुरु जी के साथ वो रहते थे वो वाले सत्संग। तो चलो अभी हम आ चुके हैं नीचे। सो गाइस, सत्संग हो चुका है ख़त्म और मैं जा रही हूँ घर पे, और अब बज चुके हैं शाम के, रात के 10 बजे मैं जा रही हूँ घर पे। आज का ब्लॉग अच्छा लग रहा था, लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली और दोस्तों में। सो चलो चलते हैं। आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली और दोस्तों में। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग लेके, तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गुड फ्रेंड्स, बाय।